सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लो फिर चल पड़े एक और सफर पर, वही परिचित पहाड़ी सड़क, सांप की चाल सी टेढ़ी मेढ़ी लहरदार ये सड़कें पहाड़ों की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। हम जब भी इन सड़कों पर चलते हैं पूरा सुकून मिलता है, रास्ते भी गजब के बस हमें अपनी मंजिल पर ले जाते हैं। ये रास्तों की भी अपनी कोई मंजिल होती है कि नहीं? आज के हमारे सफर के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। सड़क की दोनों ओर घाटियों के दृश्य एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद से भाव विभोर कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर इन घाटियों की गहराई का अंकन हृदय में सिहरन पैदा कर देता है। आज का तीरथ उत्तरांचल के कोटद्वार शहर से 8 किलोमीटर दूर घने जंगलों में है और नाम है उसका कण्व ऋषि आश्रम। सचमुच स्वर्ग का नजारा आ जाता है। वहां जाने से पहले वहां की कथा सुनते हैं ताकि समझने में सुविधा रहे। इस बात से हम परिचित हैं कि ऋषि विश्वामित्र एक समय काफी कठोर तपस्या कर रहे थे। बस इस तपस्या के डर से इंद्र ने मैनिका को उनका तप भंग करने को भेजा। उस स्वर्ग की अप्सरा ने ऋषि की तपस्या में भंग डालने के लिए एक मोहक नृत्य प्रस्तुत किया जिससे ऋषि का तप खंडित हो गया और उन दोनों के मिलान से हुई एक अत्यंत सुंदर कन्या, नाम रखा गया शकुंतला। पर समाज के डर से उस बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चले गए। तब एक दिन कण्व ऋषि उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने बालिका को उठा लिया। उसे वह बहुत लाड प्यार करते थे। उन्हें कण्व ऋषि का आश्रम पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन मालिनी नदी यहीं से होकर गुजरती है, इसी के तट पर आश्रम था उनका। और कण्व ऋषि ने इस आश्रम में 10,000 शिष्यों की शिक्षा दीक्षा व पोषण का दायित्व संभाला हुआ था। उन्होंने शकुंतला को पौधों की देखभाल का काम सौंपा हुआ था। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन गए। दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंचे। दुष्यंत जब आश्रम में पहुंचे तब ऋषि कण्व वहां नहीं थे। शकुंतला नव मलिका के फूलों से आनंदित हो रही थी। इसी बीच दुष्यंत की शकुंतला से भेंट होती है और प्रेमवश उसकी उंगली में राजा दुष्यंत पहचान के लिए अपनी अंगूठी पहना देते हैं। शकुंतला गर्भवती हो गई। बाद में जब गर्भवती शकुंतला दुष्यंत के दरबार में गई पर राजा ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी खो गई और दुष्यंत
शकुंतला को भूल गए थे। शकुंतला निराश होकर राजमहल से बाहर निकली। बस उसी समय उसकी माँ मेनका उसे उठा ले गई और कण्व ऋषि आश्रम में छोड़ गई, जहाँ शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद एक मछुआरा मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा को भेंट करने गया। इस अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई। उसके बाद दुष्यंत ने शकुंतला को ढूंढना शुरू किया। एक बार जब दुष्यंत गढ़वाल से गुजर रहा था, एक आश्रम में उसकी मुलाकात हुई एक बालक से। इस साहसी बालक के हाथों में एक सिंह शावक था। शेर के बच्चे को उस समय माँ से अलग कर दिया जब वह दूध पी रहा था। बालक के खुले हाथ देख राजा हैरान हो गया। दुष्यंत को आश्रम की एक महिला ने बताया, यह बालक पुरु राजवंश से संबंधित है। आगे विस्तार से पूछे जाने पर राजा को पता लगा यह बालक उन्हीं का पुत्र है और शकुंतला है इस बच्चे की माँ। तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और पुत्र सहित सम्मान पूर्वक राजमहल ले आए। अब हम चल पड़े इसी कण्व ऋषि आश्रम की तरफ। ड्राइवर को बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कि कहां से जानवरों को आना जाना हो जाए। और जानवरों से बचाव के लिए सरकार ने चारों तरफ बिजली की तारों की बाउंड्री बना रखी। यह है बिजली के तारों की बाड़, ताकि जानवर एकदम हमला न कर। काफी देर चलने के बाद लाल रंग का गेट नजर आया, शायद आश्रम आ गया। हम अंदर मुड़ गए। सामने स्वागत के निमित्त बोर्ड लगा है और यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर का चित्र, जिनको आधुनिक भीम की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहते हैं सालों से इस बीहड़ में निवास किए हुए हैं। कण्व ऋषि के आश्रम की स्मृतियों को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ प्राचीन परंपरा की तरह आज एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं। सामने हवन का क्षेत्र, यहाँ चारों तरफ कपड़े बिछे हैं। यहाँ होता है नित्य हवन और दी जाती है देव आहुतियाँ। चार मुख्य आसन। आज भी जहाँ अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियाँ दी जाती है। हमने की बात महाराज जी से, तब जाने कई सवालों के उत्तर। तीर्थ यात्राओं की श्रृंखला में तीर्थ यात्रा करते करते आज हम आ पहुँचे हैं कोट द्वार के पास, एक बहुत ही दुर्लभ तीर्थ में। बीहड़ जंगल के बीच में स्थापित है और नाम है कण्व ऋषि आश्रम। दुष्यंत और शकुंतला जी की कहानी हमने सुनी होगी। ठीक यहीं पर प्रणय विवाह
और प्रणय संबंध बना था और यहीं भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से राजा भरत। कहते हैं कि नदी है और नदी के दोनों तरफ कनुरीश्वर आश्रम माना जाता है, पहाड़ के ऊपर भी। मगर आए तो थे दर्शन करने आश्रम के, और दर्शन हो गए एक महान विभूति के, यानी कि यूं कहो कि योग में और आयुर्वेदिक में भारत के इतिहास में भीष्म पितामह ठीक चरक आश्रम के नीचे। नाम परिचय देने के मोहताज नहीं, बस सब लोग उनको बड़े प्यार से जानते हैं, आधुनिक भीम। यही निवास है, बच्चों को योग सिखाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे योग पढ़ रहे हैं और आयुर्वेदिक का विकास कर रहे हैं। ये अतिशोक्ति नहीं है कि बड़े बड़े आयुर्वेदिक एजेंसीज के नाम जो कंपनीज हैं वो अपनी दवाइयों की पहचान के लिए और बहुत उच्च कोटि के विकास के लिए महाराज जी के पास आते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, चलिए अब तो कण्व ऋषि आश्रम के बारे में विस्तार से और उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। स्वयं महाराज जी प्रणाम। आप का शुभ नाम? मेरा नाम योगी राज, ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत और आधुनिक भूम भीम की ये उपाधि है जो राष्ट्रपति बीबी गिरी ने मुझे दी थी। ये योग का शौक या इस योग में आना, ये कब से और कैसे आया? योग का तो वैसे मुझे बचपन से ही बड़ा वो रुचि रही है। हमारे माता पिता ने कई वर्षों तक मेरा ट्रीटमेंट कराया, मैं बोलता ही नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, फिर एक ऋषि आए, कहने लगे ये पिछले जन्म के योगी हैं इसलिए मौन में हैं, इनको बोलने की कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में मैं गुरुकुल में आ गया और वहाँ गंगा के किनारे बैठ के मैंने साधना की और वहाँ से मैं आयुर्वेद भास्कर गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से हरिद्वार, वहाँ से मैंने आयुर्वेद भास्कर बीएमएस वगैरह किया। तो सभी हमारे साथी जो हैं वो कह रहे थे हम तो कॉलेज मेडिकल स्टोर खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। तो मेरे से भी पूछा कि आप क्या करेंगे, मैं तो जंगल में जाके साधना करूँगा और आयुर्वेद पर रिसर्च करूँगा। तो 2 जुलाई 1972 में मैं जो ऊपर आज आप देखेंगे कण्व ऋषि आश्रम, तो उसी पर मैं आ गया था और वहाँ मैंने अकेले 1 वर्ष साधना की। अकेले मौन रह करके। बीहड़ जंगल है यहाँ, तो जानवरों की भरमार है। मैं देख रहा हूँ रास्ते में और सरकार ने भी बिजली की तारें लगा रखी हैं। हाँ, उस समय भी शेर वगैरह साथ में ही बैठ जाते थे और कई बार हाथी वगैरह हिरण, ये तो मामूली बातें हैं, लेकिन वहीं पर उनके साथ बैठ के ही मैंने मौन धारण करके और 1 वर्ष तक जो है साधना की। और साधना के बाद मुझे अंतःकरण से प्रेरणा हुई, सूर्य प्रेरणा हुई कि ये इतना सुंदर योग्य स्थान है, ये यदि यहाँ पर आश्रम नहीं बनाया गया और कोई होटल मोटल या इस तरह का हो गया तो सारे वाइब्रेशन जो हजारों वर्ष तक तप हुआ है, कण्व ऋषि का साधना हुई है, वो सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने 2 जुलाई 1972 में 2 विद्यार्थियों को लेकर गुरुकुल की स्थापना की। आज कितने विद्यार्थी हैं? आज हमारे पास लगभग योग में और दूसरे विभागों में सब मिला के 150 के करीब विद्यार्थी हैं। यहीं रहते हैं, यहीं आपके साथ? हाँ, कुछ बच्चे यहाँ रहते हैं, कुछ जो नज़दीक के हैं वो आते जाते हैं। और उनको आप योग की और आयुर्वेदिक की दीक्षा? हाँ हाँ जी, उनको जो है योग से, हम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से भी मान्यता प्राप्त हैं, तो 1 साल का पीजी डिप्लोमा कराते हैं और 2 साल का एमए कोर्स कराते हैं, यहाँ पर विधिवत जो है पढ़ाई कराते हैं और योग साधना कराते हैं। ये कण्व ऋषि के आश्रम जो महाराज जी का है, इसके थोड़ा सा बताएं।
ये जो कण्व आश्रम बड़ा प्राचीन आश्रम है और महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक इसमें लिखा, माली नदी के दोनों ओर बैठ करके। इसका वास्तव में वर्णन यही आता है कि जब ये मालिनी नदी, ये मालिनी नदी है, उसका धीरे धीरे जहाँ विस्तार होता है वहीं से कण्व आश्रम प्रारंभ था। तो ये काफ़ी बड़ा लंबा आश्रम था। महर्षि कण्व यहाँ के कुलपति थे। अच्छा। जैसे ये तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय था, ये भी असल में विश्वविद्यालय था यहाँ, और कण्व ऋषि जो है उसके कुलपति थे। हजारों शिष्य यहाँ पर रहा करते थे, कोई सामवेद का गायन कर रहा, कोई ऋग्वेद का, कोई यजुर्वेद का। तो इस तरह से यहाँ के वातावरण, महाराजा हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत जब यहाँ पर आए और आकर के वो सबसे पहले यहाँ डेरा डाला तो उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। तो उन्होंने पुलिस अपनी सिपाही और उस शब्द को नीचे छोड़ दिया और अकेले ऊपर चले, कहने लगे मैं आश्रम में दर्शन करने जा रहा हूँ। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जो वेदों की ध्वनि और ये सब सुना तो बड़ा उनको शांति से अनुभव हुई। तो सबसे पहले उनको शकुंतला और प्रियंवदा, उनकी ड्यूटी थी वो एक तरह से अतिथि सेवा में, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए, कैसे आए। तो दुष्यंत ने भी पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तो कण्व पुत्री हूँ। तो दुष्यंत को संदेह हुआ, कहने कण्व तो ब्रह्मचारी थे। तो फिर उन्होंने क्या, मुझे नहीं पता, मैं तो उनकी धर्मपुत्री या पुत्री हूँ। तो फिर आपने पढ़ाई होगा, गांधर्व विवाह हुआ, उसके बाद में भरत हुआ, भरत से ही यहाँ पर उसका जन्म हुआ, यहीं पला, शेरों के दांत गिना करता था और उसी के नाम से आज भारतवर्ष नाम जो है उसी से पड़ा है। जहाँ पर एक ऋषि बालक ने हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता देखे, कितनी शक्ति थी योगियों में, यहीं वो बालक शेरों के मुंह में हाथ डालकर दांत गिन दिया करता था और वहीं स्थान पर शेरों के बीच में बैठकर जप और तप करते रहे, करते हैं आज भी। बताया जैसे अभी आपको कि शेर आया, इन्होंने त्राटक के माध्यम से उसको आकर्षित किया, सम्मोहित किया और शेर चुपचाप निकल गया, आक्रमण नहीं कर सकता। बहुत कुछ जानेंगे यहाँ, बहुत बड़ा खजाना है, इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं और आपको पूरा कुछ बताएंगे। कुछ दिन और रुकेंगे हम यहाँ, तब तक ये सामने हॉस्टल है, यहाँ विद्यार्थी रहते हैं। कई पोस्टर लगे हैं, हॉस्टल को ऋषि मुनियों के नाम से बांटा गया है। यह भारद्वाज मुनि भवन, छात्रवास कपिल कक्ष, गौतम मुनि कक्ष। यहाँ इस हॉस्टल के वार्डन रहते हुए सारा इंतजाम देखते हैं। यह है वीर भरत कक्ष, यहाँ प्रधानाचार्य का निवास है।
यह रास्ता जाता मेहमानों के लिए बनाए कक्षों की तरफ। यह रास्ता वहां जाता है जहां कण्व ऋषि की मूर्ति लगी है। यहां मौन रहकर साधना करने के निर्देश। यह है स्थान जहां भरत, शकुंतला और राजा दुष्यंत के बेटे शेर शावकों के साथ क्रीड़ा किया करते थे, उनके दांत किना करते थे। उसी वीर बालक के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। गुप्त विषयों का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ कई साधक एक साथ बैठकर गोष्ठी कर सकते हैं। यह है एक सन्यासी की कुटी। यहाँ की मूर्ति दर्शाती है कि जानवरों की भरमार है यहाँ। यह है आयुर्वेदिक चिकित्सालय। यहाँ गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ नाड़ी परीक्षण करके मर्ज की पहचान की जाती है। यहाँ दवाइयों का भंडार है। यह स्थल योग के लिए निश्चित है। योग की कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया।
नाक से पानी पीकर सारा पानी निकाल देना ताकि पेट साफ किया जा सके। बच्चों को योग शिक्षा देते हुए तब हमने देखे महाराज जी के कई बल के कारनामे, शक्ति प्रदर्शन के। यह है गौशाला। कई जानवर चरने के लिए लाए गए हैं। यह है गुफा, शिव मूर्ति। मस्तक पर डालकर तेल से कई प्रक्रियाएं की जा रही हैं। पैरों की मालिश, पोटली से सिकाई सब की जा रही है। यह इलाज तनाव को खत्म कर देता है। चारों तरफ समय समय पर प्राप्त ट्रॉफियां पड़ी। फिर हम गए ऊपर कल्प ऋषि के आश्रम के अन्य स्थान की तरफ। सारा आश्रम देखकर मन में कई यादें लेकर हम चल पड़े वापस अपने नए सफर की ओर। तब तक राम राम।